भवन। प्रश्न पत्र भी लिख हिंदुस्तान में सिर्फ बिहार में और ये पांचवें बार आग लगी है वर्तमान सरकार के राजकाल में और मैं जितना समझता हूँ ये आग लगी नहीं, आग लगाई गई। इसकी पूरी इंक्वायरी हो। वहाँ जल नल योजना का पूरा फाइल था, आरयू का फाइल था, पीडब्ल्यूडी का फाइल था, जो जो पदाधिकारी नेता और ठेकेदार माफिया इसमें इन्वॉल्व थे उनकी पूरी जांच, अरबों की संपत्ति। और पटना में तीन दिनों तक आग का नहीं बुझना, स्वयं नीतीश कुमार को सामने जाना पड़ा। शोभा अहोतकर जो डीजीपी है उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि प्रशासनिक कॉपरेशन नहीं मिली। शोभा अहोतकर के आरोप की जांच हो। विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगी है इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं पूरी जांच होनी चाहिए। शॉर्ट सर्किट से इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती। ये आग इतने पैमाने पर तब लगी है जब या तो पेट्रोल या किरोसिन बड़े पैमाने पर छिड़काव करके तब आग लगाई गई। मैं जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट की मैं मांग करता हूं। ये बड़े घोटाले को दबाने के लिए, जेल से बचने के लिए इस आग को लगाई गई है। सरकार और विपक्ष दोनों इस मामले में चुप है, मौन है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, आर के महाजन बीपीएससी का एग्जाम कौन है, एजुकेशन विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी जिनका चरित्र पहले भी दुनिया में उजागर हो गया था एक वीडियो के साथ, लव अफेयर्स में प्रेगनेंसी हुई थी, बाद में शादी दबाव पे करना पड़ा। आर के महाजन के साथ साथ हायर एजुकेशन में जो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक